आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि सबस्टेशन विजिट के समय जो है हम लोगों को अम्ब्रेला या छाता का जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। तो क्या है इसका कारण, जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। जब जो है हम लोग 132 केवी या उसके ऊपर वाले सबस्टेशन या ग्रिड को हम लोग अगर विजिट करने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ पर जो है हम लोगों को इंडक्शन अफेक्ट जो है फील होता है, महसूस होता है। कहने का मतलब हम लोगों को ऐसा महसूस होता है कि मानो हमारे हाथों के जो बाल होते हैं ना, वो ऑटोमेटिक जो है खड़े हो जाते हैं। इसे जो है हम लोग क्या कहते हैं, गूस बम्प इफेक्ट भी कहते हैं। तो होता क्या है हमारा, खासकर जो है जाड़े के दिनों में और बरसात के दिनों में हमारे एयर में क्या होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट जो है बहुत ही ज़्यादा जो है प्रेजेंट रहते हैं। सपोज़ जो है ये हमारा कंडक्टर जो है सब स्टेशन के अंदर जो है मौजूद है, या तो ये आपके मान लीजिए ये आपकी हाई वोल्टेज जो है लाइन है। सपोज़ जो है आपको इस पार्टिकुलर एरिया में जो है आपको इंडक्शन अफेक्ट जो है देखने को मिलता है। अब होता क्या है, खासकर जो है आपके बरसात के मौसम में या आपके जाड़े के दिनों में जो आपका इंडक्शन इफेक्ट होता है ना, वो काफ़ी जो है बढ़ जाता है। अब जो हम अगर बात करें कि जो बारिश के वजह से जो हमारी इंडक्शन इफेक्ट जो है क्यों बढ़ जाती है, तो जो हमारा एयर होता है ना, वो आपका जो इंसुलेटर की तरह जो है काम करता है। बट जैसे ही उसमें आपके जो मॉइस्चर कंटेंट आ जाते हैं ना, तो हमारे एयर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इससे जो है क्या हो जाता है, हमारी इंडक्शन इफेक्ट जो की जो एरिया होती है ना, वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जो है होगा क्या, जब कोई उस सब स्टेशन को अगर विजिट करने के लिए साथ में जो है अगर वो अम्ब्रेला भी साथ में लेके जाएगा, तो होगा क्या, हमारा ये क्या है, हमारा ये हमारा अम्ब्रेला है, और इस अम्ब्रेले में जो आपका टिप होता है ना, वो कैसा होता है, शार्प मेटलिक पॉइंट जैसा होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और कंडक्टिव इन नेचर होता है। अब जो है जब हम लोग बरसात के मौसम में सब स्टेशन को विजिट करने के लिए अगर साथ में अम्ब्रेला भी साथ में लेके जाते हैं, तो होगा क्या, बरसात के मौसम में जो हमारा इंडक्शन इफेक्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब हम लोग अम्ब्रेला लेके जाएंगे ना, तो जो होगा क्या, जो हमारे अम्ब्रेला के जो टिप होते हैं ना, और जो हमारे लाइफ कंडक्टर के जो बीच में जो अगर डिस्टेंस होगा ना, वो भी क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। तो होगा क्या, हमारे जो अम्ब्रेला के जो टिप के वजह से जो है हमें जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगने का जो खतरा जो होता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए जो है हम लोगों को बरसात या जाड़े के मौसम में खासकर जो है सब स्टेशन अगर मुझे विजिट करने जाना है, तो आपको अम्ब्रेला जो है लेके नहीं जाना है। आज का जो मेरा सवाल है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन्स ऑफ सप्लाई इन अ थ्री फेज सिस्टम इज कॉल्ड। कहने का मतलब, जो हमारी थ्री फेज सिस्टम में ना, किन्हीं दो लाइन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं। ऑप्शन जो है हमारा इसके लिए, पहला ऑप्शन है हमारा फेज करेंट, दूसरा ऑप्शन है हमारा लाइन वोल्टेज, तीसरा हमारा ऑप्शन है लाइन करेंट, और हमारा चौथा जो ऑप्शन है फेज वोल्टेज। तो आपको सभी लोगों को कमेंट करना है, जिन्हें आंसर पता है वो खासकर तो ज़रूर कमेंट करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, दिल से लाइक कीजिए, और इलेक्ट्रिकल फ्रेंड के साथ जो है मेरे वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।